सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू पीडी क्लासेस दोस्तों आज हम आपको सेशन देने जा रहे हैं बेस्ड है प्लांट ऑपरेटर और आपको बताना चाहूंगा कि हमने आपको रिलेटेड ऑलरेडी एक इंटरव्यू दे रखा है जो आपको टेक्निकल क्वेश्चंस वहां भी मिल सकते हैं और उम्मीद है आज के पर्टिकुलर सेशन के अंदर बहुत से टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस मिलेंगे हमारे एक व्यूअर ने हमसे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट किया था कि सर मैं आरओ प्लांट ऑपरेटर इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं तो प्लीज इस पर एक इंटरव्यू बना दीजिए अगर दोस्तों आपको लगता है कि यह पर्टिकुलर वीडियो अभी आप इस पीडी क्लासेस चैनल पर नहीं अवेलेबल है तो आप भी हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हो और हम आपके लिए वो पर्टिकुलर वीडियो जरूर बना कर देंगे आ, वन्ना सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ वन्ना मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ आरओ ऑपरेटर। उसके बाद मैं आपसे टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस पूछूंगा तो मुझे ड्यूटीज बताइए सबसे पहले यस yes, सर बताना चाहिए इनकी बहुत सारी ड्यूटीज होती है ऑपरेशन ऑफ आरओ यूनिट ऑपरेशन ऑफ ईटीपी ऑपरेशन ऑफ पीडब्ल्यूएस ऑपरेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर पंप ऑपरेशन ऑफ प्री ट्रीटमेंट प्लांट यस क्लीनिंग वाटर टैंक राइटाइजेशन ऑफ Right. ओ uh, uh, right. uh, updating राइट अपडेटिंग ऑल all documents. Okay, ओके okay. ओके uh, जो लॉक शीट्स है और जो डॉक्यूमेंट्स है उनको भी अपडेट रखना इनका फर्ज होता है ओके yes, okay. आपने बहुत अच्छे वर्क प्रोफाइल बताया, जो ड्यूटीज बताए अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी क्या क्या yes, okay. और आपकी हॉबीज क्या है

सर सेकंड है वोलर को वोलर को स्टार्ट करना ओके okay. ऑपरेट करना मतलब राइट right. और सर थर्ड है वॉल एंड टैंक को रूटीन चेक करना राइट वाटर प्लांट को मेंटेन और रिपेयर करने की स्किल्स होना बिल्कुल टेस्ट की नॉलेज होना सर right. इनमें बहुत सारी और भी स्किल्स होनी चाहिए वाटर सैंपल का नॉलेज लेना वाटर फ्लो यस स्किल्स होना वाटर प्रोडक्शन वाटर लाइन वाटर क्वालिटी ओके ओके जो आपने बताया वाटर प्रोडक्शन सिस्टम वाटर सैंपल क्वालिटी इस सब का भी नॉलेज उनको जरूरी है yes, ये sir. ये स्किल्स उनके पास होनी चाहिए वरना व्हाट इज द यूनिट ऑफ टीडीएस टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स मिलीग्राम पर लीटर ओके और व्हाट इज द पीएच ऑफ आरओ वाटर 7 ओके आरओ सिस्टम नीड्स हाउ मेनी पीएसआई 60 ओके चलिए अब मुझे ये बताइए कि आरओ प्लांट में सीआईपी क्या होता है यस yes, सर

ये सर सेडिमेंट फिल्टर कार्बन फिल्टर और सर सेमी परमीएबल सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन्स ओके ओके अब ये बताइए सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन कितना परसेंट टीडीएस टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स रिमूव कर देता है सर 98% परसेंट वेरी गुड वन व्हाट इज द फिफ्थ स्टेज ऑफ आरओ कार्बन पॉलिशिंग फिल्टर ओके और सेडिमेंट फिल्टर क्या काम करता है यस सर ये डस्ट डस्ट ग्रिट और रस्ट को रिमूव करता है बिल्कुल अच्छा ये बताइए मुझे की आर ओ के पैरामीटर्स कौन कौन से यस सर टेम्परेचर प्रेशर टीडीएस ओके परमिएट वाटर टी डी एस परमिएट फ्लो और नेट ड्राइविंग प्रेशर थैंक यू सर थैंक यू अपडेटिंग नॉलेज ओके तो ये कुछ पैरामीटर एक्स्ट्रा मैंने yes, आपको बताए अच्छा विच फिल्टर इज यूज इन आर ओ कौन सा फिल्टर यूज होता है

अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज होता है कंसंट्रेटेड यस सर बट मोस्टली एसिल ज्यादा यूज होता है ओके अच्छा हाउ मेनी केमिकल्स यूज्ड इन आरओ प्लांट कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं बताइए अच्छे सर आयरन सिलिका कैल्शियम कार्बोनेट बेरियम सल्फेट यस यस इवन कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम फ्लोराइड आर आल्सो यूज्ड यस सर ओके अच्छा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एम्पेलर आर देयर कितने टाइप्स के के होते है? Three type के, सर, होते हैं हैं थ्री टाइप सर नाम बताइए सर ओपन सेमी ओपन क्लोज वेरी गुड बहुत अच्छा भाई आपको भैया के बारे में पता है ऑलरेडी मैंने आरोप में यूज होने वाली गैस पूछी थी आपसे कौन सी गैस यूज होती है सर कार्बन डाइऑक्साइड वेरी गुड कार्बन डाइऑक्साइड वंडरफुल और आपने जो बताया था वाटर सैंपल का नॉलेज और वाटर सिस्टम प्रोडक्शन वाटर लाइन वाटर क्वालिटी वाटर फ्लो ये बहुत अच्छा बताया था आपकी कोई वीकनेस हमें बताइए कि आप में क्या वीकनेस है ये सर बताना चाहूँगी मेरी वीकनेस मेरी इंग्लिश वीक है और सर इसके लिए मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया है ओके okay. अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए हम आपको ज्वाइन करा देते हैं यहाँ पर वाटर प्लांट में बट यहाँ पर ये होगा आर में कल आपकी मैरिज हो जाती है और आपके इन लॉज अलाउ ना करें जॉब के लिए तो आप क्या करेंगे यस सर बिल्कुल बताना चाहूँगी मैं ट्वेंटी सेंचुरी की गर्ल हूँ और सर शादी से पहले मैं अपने इन लोग से डिस्कस कर लूंगी पहले ही कि मैं अपने जॉब को पहले प्रेफर देना चाहूंगी okay. सर, और सर बताना चाहूंगी आजकल समय में वर्क वुमेन को ज्यादा अहमियत दी जा रही है राइट right, राइट right. yes. आपकी yes. बात बहुत सही है कि वुमेन का जमाना चल रहा है मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं है बट वाटर प्लांट रिलेटेड मैंने सारे, sir, बहुत सारे सर वर्कशॉप अटेंड किया है वेरी गुड बहुत बढ़िया आपने वर्कशॉप वगैरह अटेंड किया बहुत अच्छी बात है अच्छा ये बताइए कि आप अलोन काम कर लेते हैं कि टीम पसंद करते हैं वर्क में सर मैं दोनों वर्क कर सकती हूँ अलोन भी और टीम वर्क भी लेकिन ज्यादा प्रेफर टीम वर्क का ही होता है कि टीम okay. में ज्यादा अच्छे से काम मैनेज हो जाता है ओके okay, ओके okay. yes, अच्छा आप जिस तरीके के जैसे आपने अभी तक आपने बताया वर्कशॉप वगैरह तो आपके कुछ फ्रेंड्स भी होंगे तो वो आपके बारे में क्या कहते हैं उनका क्या विचार है आपके बारे में यस सर मेरी फ्रेंड का विचार है कि कहते हैं कि मैं थोड़ी सी पर्सन हूँ okay. और सर मैं थोड़ी सी आ, जैसे कि किसी की भावनाओं को जल्दी से फील कर लेती हूँ yes, आप okay. okay. ज्यादा इमोशनल रहेंगे फिर अगर yes, आप रिक्रूट कर रहे हैं किसी को और आपने इमोशन के थ्रू रिक्रूट कर दिया फिर तो गलत रिक्रूटमेंट हो जाएगा यस यस सर सर तो आप उस पर कंट्रोल कर रहे हैं यस yes, उसका मैं ध्यान दूंगी ओके okay. yes, अच्छा देखिए अभी आपने बताया कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है ज्यादा no, पर आपने वर्कशॉप बहुत अच्छे से अटेंड की है yes, yes, फिर भी आपका नॉलेज लेवल अच्छा है रिलेटेड मैंने आपसे जो केमिकल्स पूछे जो मैंने आपसे गैसेस वगैरह पूछा वो आपने अच्छा बताया आपने अपनी तरफ से बेस्ट इंटरव्यू दिया समय आ गया हमारे व्यवस्थे को भी जो लास्ट तक हमारा वीडियो देखते हैं दोस्तों यदि आप लास्ट तक हमारा वीडियो देखते हो तो लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देते हैं वो टिप आपके बहुत काम आता है देखिए अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टिप सुन लीजिए कि देखिए ड्यूरिंग एन इंटरव्यू दे वुड आस्क यू फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन टू इंट्रोड्यूस यूर आपसे बिल्कुल बोला जाएगा अपने बारे में कुछ बताइए अब यहां पर टेक्निकल राउंड के अंदर तो आप बहुत इंटेलिजेंट है मगर एचआर राउंड के क्वेश्चन जैसे इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताना चाहिए ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नो डाउट आपको नाम बताना है क्वालिफिकेशन बतानी है एक्सपीरियंस बताना है हॉबीज बतानी है एम बताना है बट आप कोशिश करिए कि इंट्रोडक्शन के दौरान अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा नहीं बताएं आप अपने बारे में ज्यादा बताएं अपने एक्सपीरियंस के बारे में ज्यादा बताएं जिस तरीके से वंदना ने बोला कि सर मुझे वर्कशॉप्स का है सेमिनार्स का है एक्सपीरियंस अगर आपको वो एक्सपीरियंस भी है तो आप इंटरव्यू के दौरान उसको हाईलाइट कीजिए तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा सो ड्यूरिंग एन इंटरव्यू अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि अपने बारे में अपनी क्वालिफिकेशन अपनी स्ट्रेंथ बताते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो दोस्तों उसको भी हाईलाइट कीजिए अब दोस्तों क्या होता है कई बार इंटरव्यूर आपके नाम से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं वन आपका नाम जैसे वंदना है तो अगर आपसे बोला जाए वंदा मीन वॉट my name and वर्शिप एंड आई एम वेरी मच girl. नेम आपने बड़ा स्टाइल से बताया अगर मेरे नाम का पूछे तो my नेम इज मनोज शर्मा my नेम matches my personality, my name नेम winner विनर ऑफ हार्ट In my तो अपने माहौल में किसी को दुखी नहीं देख सकता तो क्या आप लोग अपने नाम को कॉर्ट कर सकते हैं अपनी के साथ अगर हाँ तो वेल एंड गुड है आप इंटरव्यू क्रैक बहुत इजिली कर लेंगे और इससे रिलेटेड हमने आपको ऑलरेडी एक वीडियो देखा है जिसका लिंक मैं भी लास्ट में आपको दे रहा हूं दोस्तों और वर्ंदा आपने अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस दिया अगर अपनी कम्युनिकेशन जैसे आपने बताया कि इंग्लिश वगैरह पर वर्क करते हैं और स्टूडेंट्स को भी यही कहूंगा कि टेक्निकल राउंड को भी आप स्ट्रॉग कर लेते हैं तो आपको हंड्रेड बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों इन पॉइंट्स को आप अडोप्ट कीजिए अगर वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि भाई अगर आप हमारी जॉब